लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वेलकम शाहिना का किचन में वेलकम। आज मैं फूल गोभी का पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। ये हमारा फूल गोभी है, ये बेसन है, ये हमने बेसन लिया, नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट है, आप चाहें तो नहीं दे सकती हैं, ये अजवाइन है, अजवाइन को हमेशा क्रश करके देना चाहिए, उसमें खुशबू आती है, ये जीरा है, एक कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, तीखा मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, छोटी चम्मच से चाट मसाला, धनिया पाउडर, सब चीज़ को मसाला भर रही हूँ, मसाला नहीं। अब मैं इसको हल्का हल्का पानी देके इसको फेटेंगे, आप चाहें तो मिक्सर से भी फेंट सकती हैं, कोई भी चीज़ से आप इसको मिला सकती हैं, बेसन का आटा भी दे सकती हैं इसका, सॉरी बेसन नहीं चावल का आटा, बेसन में तो फेंट ही रहे हैं, और कॉर्नफ्लावर, अभी हमने कॉर्नफ्लावर नहीं दिया है, कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे, पहले इसको पहले चला लेते हैं। ये थोड़ा सा अभी एक दो तीन और क्रिस्पी करने के लिए हमने सूजी दिया है 3 चम्मच, थोड़ा सा एक दो चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है, चढ़ा दिए थे, बहुत पकौड़ी गोभी की हो या कोई भी चीज़ की हो, पकौड़ी तो पकौड़ी होती है, मज़ेदार तो होता ही है, टेस्टी भी होता है, सभी को बहुत पसंद आता है। आज बहुत दिन पर हमने बनाया ये पकौड़ी, जो बना रहे थे बैंगन वगैरह का, लेकिन फूल गोभी का इस सीज़न का इस बार बना रहे हैं, आप चाहें तो फूल गोभी को उबाल करके भी दे सकती हैं, ये हमने फूल गोभी को छील करके काट करके रखा है, इसको आधा आधा और करेंगे, बहुत बड़ी गोभी है, ये देखिए हमने बनाया है एकदम साफ गोभी है, अभी तो ताज़ी ताज़ी गोभी है, तो ये तो अच्छी लगेगी, देखने में भी अच्छी लग रही है, और ये तलाएगी भी खूब अच्छे से, देखिए कितना अच्छा ये गाढ़ा भी हो गया, कितने अच्छे से कोटिंग हो गई है, तेल भी पूरा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, पूरा हाथ दे करके ऐसे देखा जाता है, और पूरा हाथ ऐसे देखिए जब भाप लगेगा तो समझिए कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका। यह हमने सरसों का तेल में लिया है, सरसों के तेल में तल रहे हैं, क्योंकि पकौड़ी वगैरह सब सरसों के तेल की ही अच्छी लगती है। अब मैं एक एक करके डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अब इसको ऐसे डालते हुए चले जाएंगे। आज को भी धीमा करेंगे, देखिए होती है कोई भी चीज़ की पकौड़ी बनाइए। जब ये फेन ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसको पलटूंगी, अभी नहीं पलटेंगे वरना ये सब बिखर जाएगा।
देखिए ये हमारा फैन खत्म कम हो गया है, अब मैं इसको पलट रहे हैं, पलट करके और 5 मिनट। अगर फूल को भी हमारी उबाली भी नहीं है, इसलिए हमने कहा कि अगर आप चाहें तो उबाल करके ये पकौड़ी तल सकती हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, इसी में धीमे 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 हो जाता है। अब मैं इसको निकाल रहे हैं ताकि ऐसे ही पकौड़ी गोभी की बनाई जाती है। देखिए कितनी शानदार ये तलाई है, कुछ भी नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है, अपना अपना तरीका है सब चीज़ बनाने का। देखिए इसको थोड़ा सा सकर के रखेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि हमारा सब तेल निकल जाएगा। अब मैं इसे खुले को निकाल रहा हूँ। अब मैं दूसरा बैच डाल रहे हैं। बहुत आसानी से हमने बनाया, आपने देखा। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें बताएं कि आप कहाँ से देख रही हैं। मैं हर के कमेंटों का जवाब देती हूँ, देर से ही सही लेकिन देते हैं ज़रूर हैं, क्योंकि बहुत बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता है सभी के कमेंट का। अभी मैं धनिया की चटनी बनाएंगे। धनिया की चटनी के साथ कोई भी सॉस के साथ, आप किसी चीज़ के साथ इसको खा सकती हैं, अपने अपने पसंद है। हमारा दूसरा बैच भी हो गया। पकौड़ी ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि बरसात में ही खाया जाए, किसी भी मौसम में पकौड़ी बनाइए, किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से लोग खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। ये भी हमारा तैयार हो चुका। अब मैं इसमें हरी मिर्च की पकौड़ी डालेंगे जो कि अच्छी लगती है तल करके खाने में। आप चाहें तो टिश्यू पेपर पर रख सकती हैं, तेल आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो देखने में। हमने टिश्यू पेपर पर नहीं रखा। ये देखिए हरी मिर्च को भी डाल दिया है। अब हरी मिर्च का पेट चीर दिए थे ताकि उड़े नहीं। अब इसको तल करके तल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। मिर्चा का पकौड़ी तैयार हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर रख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह हमारी फूलगोभी हरी मिर्च और यह धनिया की चटनी तैयार हो चुकी। अस्सलाम वालेकुम।